हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे इन्वॉलंटरी मैट्रिक्स और इंपोर्टेंट मैट्रिक्स। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, सिंपल। ये क्या कह रहा है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स थी इज कॉल्ड इन्वॉलंटरी मैट्रिक्स। किसके, कब, जब ए का स्क्वायर हम करें और क्या है, आई के बराबर है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है या यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है ना। उसके बराबर आता है हमारा क्या हो गई, इन्वॉलंटरी मैट्रिक्स हो जाएगा। या फिर हम उसी मैट्रिक्स का इनवर्स करें, ए का इनवर्स करें, हम इसके बराबर आ जाए, ए के बराबर आए, वो क्या होगा, हमारा इन्वॉलंटरी मैट्रिक्स ही रहेगा, ठीक है ना। अब देखो, ए का इनवर्स अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन ए का स्क्वायर पढ़ा है। जब मैं इनवर्स पढ़ाऊंगा तब मैं इसमें इन्वॉलंटरी को भी क्लियर कर दूंगा उस टाइम, क्लियर। अब देखो, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ और उस इसके थ्रू ए के स्क्वायर, अगर मैं ये ए मैट्रिक्स दे रखी थी कोई, ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, ए मैट्रिक्स से इसका स्क्वायर किया मैंने, क्या हो जाएगा, 1 0 0 1, क्या हो जाएगा, ये 1 0 0 1, क्लियर। इसका आंसर क्या होगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ आएगा, ठीक है, पहले इसी के साथ होगा, क्लियर। क्या हो जाएगा, 1 0 0 1, सिंपल। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या आ गया, देखो ये क्या है, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई डेंटिटी मैट्रिक्स, यानी यूनिट मैट्रिक्स भी, क्लियर। आई के बराबर हो गया और सिंपल ए के बराबर भी है। याद रखना, हर एक यूनिट मैट्रिक्स, एवरी यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, इन्वॉलंटरी मैट्रिक्स होती है, सिंपल है ना। एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज, लिख लेना आप यहाँ पर, एवरी यूनिट मैट्रिक्स मैट्रिक्स इज इन्वॉलंटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो, सिंपल है, ए का इनवर्स इक्वल टू ए के बराबर होती है, इनवर्स कराऊंगा तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले मुझे इनवर्स पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं, निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, निलपोटेंट का मतलब जीरो हो जाए मैट्रिक्स, सिंपली। जब ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या है, अगर देखो देयर एग्जिस्ट पी, पी का क्या मतलब है, कोई पावर, पावर, पावर को हम इंडेक्स भी बोल देते हैं, ठीक है, ये तो हमारे एक ही बात है, या तो इंडेक्स बोल दो या फिर पावर बोल दो। पावर क्या होती है, जिसमें 2 की पावर 3 कहता हूँ, ये पावर क्या, ये वाली 3 जो है वही हमारी पी होगी, ठीक है। और वो क्या काम करेगी, नेचुरल नंबर में, याद रखना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। और वो क्या होगा, जब उस मैट्रिक्स में कोई भी पावर लग जाए, उस पावर कम कर दे उसको, जीरो कर दे उसी इंडेक्स को, ठीक है, पी क्या होना चाहिए, इंडेक्स, उस इंडेक्स को हम क्या कहते हैं, क्या, निलपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे अब देखो, ये मैंने मैट्रिक्स को एग्जांपल लिया है, ये मैट्रिक्स ले ली, अब क्या करूं मैं इसको, जैसे ये जीरो कर देती है, जो भी इंडेक्स, देखो पहले इंडेक्स क्या लेंगे, ए स्क्वायर लेंगे, ठीक है, इस मैट्रिक्स के लिए ए स्क्वायर ले लेता हूं, क्या ले रहा हूं, इंडेक्स 2 ले रहा हूं, यानी पी इक्वल टू क्या रख रहा हूं, 2 रख रहा हूं, क्लियर। अब स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा, 0 0 1 0, और सिंपली क्या हो जाएगा, 0 0 1 0। अब मल्टीप्लाई तो करना आता ही, सिंपल आप मल्टीप्लाई करो, देखो इसका जीरो के साथ, इसका जीरो के साथ, मतलब क्या हो गया, फाइनल इसका हमारा जीरो, इसका इसके साथ, तो सारा का सारा ही जीरो हो गया। अब इसका इसके साथ, वन का जीरो, इसका जीरो, यानी ये भी जीरो, इसका इसके साथ, सिंपल ये भी हो जाएगा जीरो। क्या आ गई है, निलपोटेंट मैट्रिक्स, यानी यानी जीरो आ गई, क्लियर। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, एवरी निलपोटेंट मैट्रिक्स, प्रत्येक निलपोटेंट मैट्रिक्स का अगर हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, अगर किसी भी मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, और वो ए डिटरमिनेंट क्या आ जाए, बराबर आ जाए जीरो के, तो वो क्या होगी, निलपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें, जिसको भी जरूरत है, नीड है, ठीक है, थैंक यू।